अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप। आज हमारा एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोटोशॉप? व्हाट इज फोटोशॉप? फोटोशॉप इज अ रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड पब्लिश्ड बाय एडोब सिस्टम। ठीक है, एडोब के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया। सही है, फिलहाल हम जो फोटोशॉप पढ़ रहे हैं ये आपके पास रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर ग्राफिक्स क्या है? जो आपकी पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होती है, ठीक है, जो आपके पास लिमिटेड पिक्सल्स के ऊपर काम करती है, यानी कि जो पिक्सल्स आप लोग उसको सेट करके रखते हैं वही पिक्सल जो है वो आपको आगे जो है वो आपकी इमेज के अंदर शो करवाता है। सही है, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हु यूजेस फोटोशॉप, कौन कौन फोटोशॉप को यूज कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है? फोटोग्राफर्स, वेब डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड एडवर्टाइजर्स। ठीक है, जो ये लोग जितने भी आपके पास प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं वो फोटोशॉप को यूज कर रहे होते हैं फॉर देयर वर्क। ठीक है, देन आपके पास आते हैं पॉपुलर फाइल्स फॉर्मेट्स टू सेव इमेज, यानी कि आपके पास बहुत सारी इमेज के फॉर्मेट्स हैं जो कि आप फोटोशॉप में बनाकर सेव एज करवाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर आपके पास जो फॉर्मेट्स यूज हो रहे होते हैं वो ये 3 होते हैं। ठीक है, जेपैक या जेपीजी बोल सकते हैं आप इसको, जीआईएफ एंड पीएनजी। ठीक है, जेपीजी के आपके पास ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप फुल फॉर्म इसका, जीआईएफ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, इसको 1 by 1 देखते हैं। जेपैक क्या है आपके पास? बेस्ट फॉर फोटोज ऑफ कंटिन्यूस टोन फुल कलर इमेजेस। ठीक है, यानी आपके पास जो हाई डेफिनेशन इमेजेस या फुल कलर इमेजेस के लिए जेपैक या बैकग्राउंड इमेजेस के लिए जेपैक का आपके पास जो है वो आप लोग ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, देन आपके पास आता है यूजेस 165 मिलियन कलर्स, यानी आपके पास 165 मोर देन कलर्स इसके अंदर मौजूद है। ब्राउजर यूजेस रीजनेबल एप्रोक्सीमेशन, यानी कि मोस्टली आपके पास जो ब्राउजर्स पे यूज हो रही होती हैं उनमें से एक इमेज आपकी जेपैक इमेज है। ठीक है, वर्क इन आरजीबी मोड और CMYK मोड, दोनों में इसको आपके पास वर्क करता है, लेकिन अगर आप इसको डिजिटली यूज कर रहे हैं तो आपको आरजीबी मोड के ऊपर काम करना होगा। सेविंग स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज प्रोग्रेसिव, यानी आप जब इसको सेव करवाते हो तो इस तमाम प्रोसेस को वो फॉलो करती है और आपके स्टैंडर्ड फाइल के अंदर आपके पास सेव होती है। देन इसके बाद आती है आपका GIF, ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। ठीक है, बेस्ट फॉर सॉलिड इमेजेस, बटन्स, लोगोस, यानी कि आपके पास सॉलिड इमेजेस से मुराद क्या होती है, आप जब भी कोई इमेज बना रहे होते हो, ठीक है, या तो बैकग्राउंड बेस्ड होती है, बैकग्राउंड लेस होती है। ठीक है, आगे जाके इसको हम लोग अभी कवर करेंगे। यूजेस 256 कलर्स, इसके अंदर 256 कलर्स होते हैं 0 से लेके 255 तक। याद है हम लोगों ने बाइनरी डिजिट्स पढ़े थे, वहां पर आप लोगों मैंने ये कोड्स बताए थे। ठीक है, ब्राउजर यूजेस 216 कलर्स, ब्राउजर जो है आपका 216 कलर्स यूज करता है। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है? जिसके अंदर आप लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। वर्क इन इंडेक्स मोड, गुड कंप्रेशन, इंटरलेस्ड, यानी कि आपके पास ये सारे इमेजेस को आपके हाई डेफिनेशन में रखता है। देन आपके पास एक और इमेज आ रही है पीएनजी। ठीक है, अच्छा, पीएनजी में आपके पास दो आपके इसमें ऑर्बिट दिखाएगा, अभी दिखाता हूँ आपको मैं क्या चीज है। ठीक है, पीएनजी क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, या आप इसको ट्रांसपेरेंट इमेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जितने भी हम लोग लोगो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो तमाम आपके फोटोशॉप पे जो, या फोटोशॉप के अलावा भी आप बनाते हैं, जिसको आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में रखते हैं, ठीक है, वो आपके मोस्टली पीएनजी फॉर्म में होते हैं। बेस्ट फॉर लाइन आर्ट लोगोस, ठीक है, यानी आपके पास जो भी लोगो बनाते हैं, जैसे आपको ये लोगो नजर आ रहा है, ठीक है, कंप्रेसेस सॉलिड एरियाज ऑफ कलर्स वेल एंड मेंटेन शार्प डिटेल्स। ठीक है, जनरली हैज बेटर कंप्रेशन देन GIF, GIF से ज्यादा बेटर कंप्रेशन, यानी कि आपके पास जो क्वालिटी ऑफ इमेज होती है वो आपकी पीएनजी की होती है। इफ कंसिडरिंग सेविंग एज GIF, यानी पीएनजी को आप सेव कराए बगैर GIF में सेव कराते हैं, ऑल्सो कंसिडर सेविंग एज PNG, यानी कि दोनों आपकी बैकग्राउंड लेस इमेजेस होती हैं, यानी ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफर पीएनजी को किया जाता है जब भी हम लोग लोगो बनाने की बात करते हैं। नॉट सपोर्टेड बाय ओल्डर ब्राउजर्स, यानी कि पुराने जो ब्राउजर्स हैं उसके अंदर पीएनजी नहीं होती थी आपके पास, सही है, तो वहां पर आपके पास GIF चलती थी जब, लेकिन अब जब आपके पास ब्राउजर आपके अपडेट होते जा रहे हैं तो उस जगह पर आपको ये ब्राउजर सपोर्टेड करेगा। ठीक है, देन आपका आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है पीएनजी 24 बिट। ये बिट क्या चीज है आपके पास? बिट
याद है हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। नंबर सिस्टम में बिट बाइट बिट्स होते हैं, कलर की आपके क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। यानी कि इतने बिट की इमेजेस कौन कौन से ब्राउजर पे, कौन कौन सी एप्लीकेशन पे या कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बेस्ट फॉर कंटिन्यूस टोन इमेजेस, कंप्रेस वेल बट कैन बी लार्जर देन जेपेग। यानी कि आपके पास जेपेग जो फाइल सेव करता है उससे ज्यादा हैवी इमेज पीएनजीज की होती है, ठीक है। लेकिन आपके एजेस, आपके ग्रेडियंट्स और आपके पास जो शार्पनेस कम करके जो भी इमेज या लोगो या शेप आप लोग बनाते हो, ठीक है, उसको ये प्रॉपरली जो है वो एडजस्ट करके अपने पास सेव करता है, ठीक है। नॉट सपोर्टेड बाय ओल्डर ब्राउजर, यानी पुराने किसी ब्राउजर पे आप अगर इसको ओपन करेंगे तो ये सपोर्ट उसको नहीं करेगा, ठीक है। देन आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक टॉपिक है जिसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा आपको प्रेफर करूंगा कि जब मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं लाजमी देता हूँ, ठीक है। स्केचिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपके, ठीक है, स्केचिंग कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, जब भी हम किसी स्केचर या जो स्केच कर रहा होता है आर्टिस्ट को देखते हैं तो आपने नोट किया होगा वो बिल्कुल सीधा बैठता है और हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करके बोर्ड को अपने यूज कर रहा होता है या आपके पास उसके ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो उसका ये पोस्टर बनाने का मकसद क्या होता है, ठीक है, वो उसका ये पोस्टर बनाने का मकसद ये होता है कि जिस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को उसी एंगल पे में वो स्केच कर सके, ठीक है। तो जब भी हम स्केचिंग की कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो स्केचिंग की कॉन्सेप्ट आपके खाली इसमें नहीं, अगर आप आगे जाके कभी ग्राफिक का कोई कोर्स करते हैं या आगे जाके आप ग्राफिक्स को आप पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, तो उस जगह पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे। जैसे कि जब भी आप कोई ग्राफिक बना रहे होते हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस एंगल पर रखा हुआ है, जैसे आपके सामने किस एंगल पर रखा हुआ है और उस पर लाइट किस तरफ से आ रही है, ठीक है। अगर मैं मल्टीमीडिया को आपको रेफर करूं कि मल्टीमीडिया पे जो स्क्रीन की लाइट जा रही है उसी जगह उसका वो रिफ्लेक्शन आपको शो कराएगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ये एक बॉक्स दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब यहां पर ये जो बॉक्स है आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। इस बॉक्स के टोटल 6 साइड्स हैं, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और इसके पीछे बैक, सही है। अगर मैं इसको अभी जिस कंडीशन पे देख रहा हूं, ठीक है, ये आपके सबसे पहला व्यू होता है जिसको हम बोलते हैं आई व्यू। कौन सा व्यू? आई व्यू, ठीक है। आई व्यू के आपके पास क्या होता है, आई व्यू के सबसे ऊपर आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, सही है। अब यहां पर अगर मैं आई व्यू के बाद सेकंड पॉइंट देखूं तो सेकंड पॉइंट आपका होता है ईगल व्यू, ठीक है। कौन सा? आई व्यू। सेकंड कौन सा? ईगल व्यू। ईगल मतलब चील, आप जब चील उड़ रही होती है और नीचे के ऑब्जेक्ट उसको दिखते हैं तो वो किस तरीके से दिखेंगे वो ये देखें, सही है। ये आपका ईगल व्यू है जिसमें आपको ये एरिया भी नजर आ रहा है और ये एरिया भी नजर आ रहा है, यानी कि आप भी अगर किसी चीज को ऊपर से देखें तो आपको इस तरीके से उसकी फेसिंग नजर आएगी, ये कहलाता है आपका ईगल व्यू। देन आपके पास आता है कि आप नीचे बैठे हुए ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर है, ठीक है, तो उसका व्यू कैसे बनेगा, ये देख, अब आपको इसका बॉटम नजर आ रहा है और ये एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये कहलाता आपका एंगल व्यू, एंगल, ठीक है। और लास्ट जो फोर्थ व्यू होता है आपका वो कौन सा होता है, आपका बर्ड व्यू। बर्ड व्यू कौन सा होता है, जब आपके पास बर्ड उड़ रहे होते हैं तो उनको सिर्फ आपका सर नजर आता है या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसके ऊपर से देखेंगे तो उसको आपको सिर्फ इसका ये एरिया नजर आएगा, ठीक है, ये कहलाता आपका बर्ड व्यू, सही है। अब आप चारों तरफ से इसको मूव करके देख सकते हैं, आप इसके चारों तरफ घूमे तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां पर शो कराएगा। अच्छा, अब ये चार व्यू हम लोगों ने देखे, कौन कौन से थे, ठीक है, नंबर 1 आपके पास आई व्यू, ईगल व्यू, एंगल व्यू एंड बर्ड व्यू, ठीक है। वापस अपने लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है। स्केचिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आ रहा है वो है आपका इंटरफेस, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरफेस की तरफ कि आपका जो फोटोशॉप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंटरफेस किस तरीके से आपका नजर आएगा, ठीक है। फोटोशॉप को ऑन करने के लिए इसकी रन कमांड आपके पास, जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे रन कमांड में क्या लिखना होगा,
फोटोशॉप, तो आप जैसे ही ओके करेंगे इस तरीके से आपकी जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ये जो बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ये कहलाता है आपका टूल बॉक्स। ठीक है, ये पैनल्स आ रहे हैं आपके और ये वर्किंग एरिया आ रहा है, सही। अच्छा, अब इनको अगर मैं एडजस्ट करना चाहूं, ठीक है, यानी इनको मैं खत्म करना चाहूं, तो यहां से मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, सारे में अगर मैं क्लोज कर दूं इधर से, ठीक है, तो मैं ये भी क्लोज कर रहा हूं, ये भी क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, ये तमाम मैंने क्लोज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तमाम वापस मैं लेकर कैसे आऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, विंडो के टैब में, वर्क स्पेस, ठीक है, और यहां से क्या लिखा हुआ है आपके पास, रिसेट। ठीक है, जो भी आपका डिफॉल्ट व्यू होगा वो इस जगह से आपके पास वापस सेट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हमने जब भी हम लोग कोई पेंटिंग करते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो हमें एक पेपर न्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी फाइल में आप लोग जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल एंड या न्यू। ठीक है, अब सबसे पहले आपसे ये क्या पूछ रहा है कि आप जो फाइल बना रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख सकता हूँ, माय फर्स्ट पीएस फाइल। ठीक है, माय फर्स्ट फोटोशॉप यानी पीएस फाइल मैंने इधर रख दिया। देन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ रहा है प्रीसेट। ठीक है, अच्छा, वर्जन के हिसाब से ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको चेंज हो सकता है नजर आ रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा जो मैं आपको अभी आगे देना जा रहा हूं। ठीक है, क्लिप बोर्ड, डिफॉल्ट, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, ये तमाम आपके पास कैटेगरीज बनाई हुई इन्होंने। ठीक है, अगर आप प्रिंटिंग पेपर लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं, यूएस पेपर कर रहे हैं, इंटरनेशनल पेपर कर रहे हैं, फोटोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोटोज में आपके पास साइज क्या है, जैसे हम लोग मोस्टली प्रिंट निकलवा रहे होते हैं 4x6, 5x7। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वो प्रीसेट्स मौजूद है, यानी पहले से सेट किए हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से कोई साइज बनाना है, आपके पास उसकी मेजरमेंट मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद मैन्युअली एंटर करके भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी विड्थ बताई 4 और इसकी हाइट बताई मैंने 6। ठीक है, और यहां से मैंने क्या लिया हुआ है, इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो मोस्टली आप लोग कोशिश करेंगे कि आप जो है वो इंचेस के अंदर काम करें, सेंटीमीटर्स के अंदर काम करें। ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी वेब के लिए या डिजिटल लगाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग पिक्सल्स लेंगे। क्या लेंगे, पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं आपके पास, आपकी ही ग्राफिक्स को बॉक्सेस के अंदर डिवाइड करके दिखाता है, पिक्सल्स पर इंच बोलते हैं ना, यानी हर पिक्सल के दरमियान एक इंच का एक वो बॉक्स के अंदर आपको डिवाइड करके देगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल अभी इंचेस के अंदर मैंने यहाँ पे अपना साइज सेट किया है। देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ योर इमेज। जितनी ज्यादा आपकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना या एनालाइज करना या डिसीजन लेना आपके ऊपर है, जो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा कि कब हमें कौन सी रेजोल्यूशन पे काम करना है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इमेजेस बना रहे हैं तो आपके पास 300 रेजोल्यूशन इनफ है। ठीक है, लेकिन जब अगर हम बड़े बड़े पेनाफ्लेक्सेस या बड़े डिजाइन की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको हो सकता है रेजोल्यूशन बढ़ानी पड़े, कम, कहीं कहीं इससे भी छोटी इमेजेस बनाए तो रेजोल्यूशन कम भी करनी पड़ सकती है आपको। ठीक है, ये डिसीजन आपके आपको जो है प्रैक्टिस के साथ साथ आता रहेगा। अच्छा, देन यहाँ पर आपके पास कलर मोड्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास बिट मैप आ रहा है, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई के लाइव कलर, मोस्टली जो दो यूज होते हैं आपके पास, एक होता है आरजीबी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपके पास है रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास है सीएमवाई के, सियान, मजंडा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन से ही आपके पास वर्ड बना हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि आरजीबी और सीएमवाई के में फर्क क्या है। ठीक है, आरजीबी और सीएमवाई के में फर्क क्या है कि आरजीबी आपका डिजिटल प्रिंटिंग या डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिजिटल स्क्रीन्स के लिए जो भी आप डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, और सीएमवाई के कलर आपकी प्रिंटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, अगर आप आरजीबी लेंगे इसका मतलब आप कोई या तो डिजिटल प्रिंटर से प्रिंट लेंगे या आप उसको कंप्यूटराइज या स्क्रीन पे चलाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और सीएमवाई के लेंगे तो यहाँ पर आपको आपको पता है कि आपने प्रिंट लेना है तो आप लोग हमेशा वहां पर
CMYK के सिलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं यहाँ पे RGB ले रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कह रहा है बैकग्राउंड कंटेंट, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट मतलब यहाँ पर आपके पास तीन तरह के आ रहे होंगे, व्हाइट, बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। व्हाइट आपके पास ऑलरेडी, जो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो भी कैनवस या जो भी आर्ट बोर्ड आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उसका बैकग्राउंड क्या आ रहा होगा, व्हाइट आ रहा होगा। और अगर आप बैकग्राउंड कलर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड सिलेक्ट होगा उसी के अंदर आपको बैकग्राउंड देगा। देन आपके पास आ रहा होता है ट्रांसपेरेंट, अगर आप ट्रांसपेरेंट लेंगे तो वो आपके पास जो फाइल आएगी वो बैकग्राउंड लेस होगी, यानी आप उसके ऊपर जो भी काम करेंगे वो बैकग्राउंड उसको बनाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर व्हाइट पे लेता हूँ, ठीक है। और यहां से मैंने इसको किया ओके, सही है। अब देखिए जो साइज मैंने सेट किया था वो आपको यहाँ पर एज अ कैनवस या एज अ आर्ट बोर्ड इसमें आप लोगों को शो हो रहा है। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लेयर का पैनल आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है। F7 की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लेयर हाइड हो जाएगी, वापस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लेयर शो हो जाएगी। इस पे अभी बाय डिफॉल्ट एक लेयर आ रही है जो कि आपकी लॉक है, सही है। इसका मतलब है मैं इसको यहां से मूव अभी नहीं कर सकता। अच्छा उसके बाद अब आपने इसको अनलॉक कैसे करना है, इसमें डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये लेयर आपकी अनलॉक हो जाएगी, गॉट इट। अच्छा अब देन आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी ये जो आपके पास कैनवस है, अभी इसके ऊपर मैंने कोई भी चीज ड्रॉ नहीं की हुई, ठीक है। अगर मैं इस लेयर को वापस लॉक कर दूंगा, ठीक है, अब यहां से मैं फिलहाल एक ब्रश ले रहा हूँ, ब्रश हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने एक ब्रश लिया, ठीक है। अच्छा ब्रश लेने के बाद फिलहाल मैं इसमें सिंपल ब्रश ले रहा हूं एक, और यहां पे मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया हुआ है, सही है। अच्छा अब मैं यहां से इस पे कुछ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने ये एक्स ड्रॉ कर दिया या मैंने यहां पे ओके का साइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में आता है कि मैं इस साइन को उठा के इस जगह रख दूं, तो मैं कर सकता हूं ये, मैं अगर मूव करूंगा तो ये तो पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमने जो गलती की है कि यहाँ पे लेयर पे काम नहीं किया। फोटोशॉप के अंदर हमेशा काम लेयर्स पर होता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने एक कैनवस लिया या एक दीवार पे आपने पेंट जो है ब्रश से आपने पेंट कर दिया और थोड़ी देर बाद आप बोले कि इस पेंट को यहां से हटा के आगे की तरफ कर दे, तो आप उसको नहीं हटा सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपने हमेशा क्या करना होगा, जब भी कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे तो आपने उसको हमेशा न्यू लेयर पे जनरेट करवाना है, ठीक है। न्यू लेयर कैसे लेंगे, यहां पर आपके पास एक आइकन आ रहा है न्यू लेयर का, ठीक है, यहां से न्यू लेयर ले लें, वरना इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, ठीक है। जैसे इसको आप प्रेस करके ओके करेंगे, देखिए यहां पे लेयर आ गई। अब मैं अगर इसके ऊपर इस लेयर पे कर्सर रख के अपना और मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और यहां से मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इजीली इसको मूव कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि आपके पास ये दोनों लेयर्स अलग हैं। अब मैं नीचे वाली लेयर को रख के मूव करूंगा तो आपके पास ये व्हाइट एरिया मूव हो रहा है, और ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव करूंगा तो आपके पास ये आपके ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक टूल बॉक्स के अंदर टूल आ रहा है जिसको आप बोलते हैं मूव टूल, ठीक है। मूव टूल का काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को या इस टूल को सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को मूव भी नहीं कर सकते, सही है। तो मूव टूल आपके पास हमेशा किस लिए यूज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अच्छा जब आपने ये फाइल अभी बना ली, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं सेव करा देता हूं फिलहाल, किस नाम से, माय फर्स्ट PS फाइल, ठीक है। इसको सेव करवाया, अब देखें यहां पर आपके पास फोटोशॉप की एक फाइल बन गई। ये फाइल आपकी एडिटेबल फाइल है, यानी मास्टर फाइल है, इसको संभाल के रखना है, जब भी एडिटिंग होगी आपकी इसी फाइल के अंदर होगी, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन होती है .psd, ठीक है। अब यहां पर सवाल आता है कि हम जब किसी भी वेबसाइट पे वीडियो में लेक्चर्स में या अपने वर्ड की फाइल के अंदर जो भी तस्वीर लगाते हैं वो किस में सेव होंगी,
तो वो आपके पास मैंने अभी जैसे प्रीवियस आपको बताया जेपैक पीएनजी जीआईएफ इसके अंदर सेव करवानी होंगी। वो कैसे सेव करवाएंगे आप, फाइल के मेन्यू में ही सेव एस पे ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट की भी आ रही है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहां से आपने इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर अभी हमें फिलहाल जेपैक में कराना, पहले मैंने इसको जेपैक में करवाया, इसका नाम मैंने यहाँ पे वन कर दिया, ठीक है, इसको करा दिया मैंने सेव, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां से ये देखें दो फाइल आ गई। अब मैं इस फाइल को चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट बनाना, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ये बैकग्राउंड वाली लेयर जो है उसको डिलीट कर दूं। ऐसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा। अब देखें, अब ये होने का मकसद क्या है कि आपके पास ये इमेज आपकी ट्रांसपेरेंट है, यानी इस एस के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, और बैकग्राउंड आपके ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिक उठाएगा, शर्ट पे लगा रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेव एस करवाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसको सेव एस करवाएंगे हम पीएनजी में, ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रांसपेरेंट फाइल थी वो, उसको सेव करवाया, ठीक है, और ओके कर दिया, आ गई। ये देखें जेपैक फाइल की साथ बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को मैं भी डिलीट कर रहा हूं यहां से, और इस फाइल को देखिएगा यहां पर आपके पास ट्रांसपेरेंट आ रहा है, आ गया समझ में। अच्छा, अब यही चीज मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, अगर मैं इसको सेव एस करवाता हूँ, ठीक है, और गलती से मैंने इसको जेपैक में सेव करवा दिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ 123, सेव करवाया इसको, ठीक है, ओके किया। अब देखिएगा मैंने तो जेपैक में सेव करवाया था ना, ठीक है, और मेरी फाइल क्या थी ट्रांसपेरेंट, तो देखिए उसने ऑटोमेटिक इसको बैकग्राउंड दे दिया, सही है, यानी कि जब भी आप ट्रांसपेरेंट फाइल बनाएंगे और उसको जेपैक में सेव करवा देंगे तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड लग जाएगा। अगर आपने ट्रांसपेरेंट फाइल बनाई है, यानी कोई लोगो बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसको आपने पीएनजी फॉर्मेट में ही सेव करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इस जगह पर। यहां से मैं पहले बैकग्राउंड पे कोई एक पेज का कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कलर लिया। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर इंसर्ट की, ये देखें, ठीक है, इसका बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड ही चाहिए था, तो अब मैं ट्रांसपेरेंट इमेज यानी पीएनजी इमेज इंसर्ट करूंगा, ये देखें, ठीक है, ये फर्क होता है आपके पास पीएनजी इमेजेस में और जेपैक इमेजेस में। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आप लोग अपने फाइल्स को सेव करवा सकते हो।